यूपीपी री एग्जाम के लिए डीआई का रोल कम नहीं है। डीआई अभी भी अपने स्वरूप में है, अर्थात अभी भी आप हर पेपर में देख रहे हैं कि आपको 2 से 3 डीआई दिख रही हैं। मतलब 3 प्रश्न तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं। जैसे हम लोग प्रिपरेशन किए थे तो एक फिगर पर 5 प्रश्नों को लेकर हमने आपको बेस समझाया था, क्योंकि फरवरी में एक फिगर पर 5 प्रश्न आए थे, उसको आधार किया गया था। लेकिन इसके पहले की जब परीक्षाएं यूपीपी की होती थी तो उसमें एक फिगर पर 1 प्रश्न आता था, 2 से 3 आता था, उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। हालांकि मैंने मैराथन में इस चीज को स्पष्ट किया था और मैंने प्रत्येक फिगर से 5-5 प्रश्न को कराए भी थे, जिससे कि काफी आपको हेल्प मिली होगी, श्योर है। अभी जो पेपर्स हो चुके हैं 23, 24 और 25 को, उसके आधार पर मैंने 5 प्रश्नों का चयन किया है जो डीआई के हैं, जो एकदम अभी लेटेस्ट पैटर्न से रिलेवेंट है। मैंने उसको बेस बना करके आपका सेशन में आपको एक वीडियो सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड तक इसको देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जुड़े भी रहिएगा, चैनल से भी जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहिएगा। और इस तरह के डीआई पैटर्न को आप यूपीपी री एग्जाम की अगले आने वाली परीक्षाएं जो 30 और 31 को, उसके लिए जरूर तैयार कर लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए डीआई में कौन कौन से फिगर पूछे जा रहे हैं। जैसे एक तो पाई चार्ट, पहले दिन से पाई चार्ट हर दिन पूछा गया है, तो पाई चार्ट का फिगर आपको दिख रहा है, वो भी अभी तक के प्रश्नों के हिसाब से एक फिगर पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन 2 फिगर का भी प्रश्न आपने देखा है, ठीक है। टेबल का भी प्रश्न देखा गया है, थोड़ा सा स्त्री भी देखा गया, जिसमें हम लोग पास को परसेंटेज बेस मारते हुए, बाकी मैंने एक जैसे आप देखे होंगे कि 25 तारीख वाले पेपर दिन, जिसमें जो संख्या को काउंट किया प्रत्येक वर्ष में जो विक्रय के हिसाब से था, तो टेबल का मतलब ठीक ठाक उपयोग आपको देखने को मिला। बार डायग्राम भी प्रतिदिन देखने को मिला है, रह जाता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम का प्रश्न अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन लाइन डायग्राम भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो पाई चार्ट का उपयोग है, टेबल का उपयोग है, बार डायग्राम का उपयोग है, पढ़ बहुत चुके हैं आप लोग, केवल 5 प्रश्न मेरे साथ कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर डीआई के सभी प्रश्नों की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाए और इससे रिलेवेंट ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पैटर्न समझिए, पहला प्रश्न लेता हूं जो कि पाई चार्ट का है। सबको पता है कि पाई चार्ट का रोल क्या होता है। पाई चार्ट में हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पर हम कोण का उपयोग करते हैं, मतलब सर्कल अर्थात केंद्रीय कोण का उपयोग होता है, और कंप्लीट एंगल हम सबको जानकारी है 360 डिग्री होती है। इसी 360 डिग्री को अगर हम परसेंटेज से निरूपित करें तो सिंपली इसको 100% के रूप में कंपेयर किया जाता है। प्रश्न देखो क्या है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाद्यशाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है, चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। अलग अलग यहां पर वाद्य यंत्र है, वायलिन है, गिटार है, तबला है, बीना है, परसेंटेज के आधार पर दिया गया है। प्रश्न पूछा गया वायलिन से संबंधित सेक्टर कोड बता दो, ऐसा प्रश्न बनता है। सेक्टर कोड मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी लिखा कि अगर कभी भी 360 डिग्री ही कंप्लीट एंगल, हमने सबने पढ़ा होगा कि वृत्त पर बना कोड हमेशा 360 डिग्री होता है, जिसे संपूर्ण कोड माना जाता है। इसी संपूर्ण कोड को संपूर्ण वैल्यू जो हमारे पास होती है 100% से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर जैसे हमसे वायलिन की बात करेगा तो वायलिन का हमने परसेंटेज नोट किया जो 16% है, तो हमने सोचा कि जब 100% का मान 360 है तो 16% का मान कितना होगा, डिग्री में निरूपित हो जाएगा, इसी को डिफाइन कर लीजिए। यहां पर देखिए कैसे हम लोग एक जीरो जैसे खत्म कर सकते हैं, 2 5 10 होता है, 2 8 16 होता है, आप लोग इसको 5 से भाग करके 8 से गुणा करेंगे, दशमलव में आंसर आएगा। पहले 8 से हम गुणा करते हैं, 8 से गुणा करें, 8 6 48 की 8 हासिल 4 होता है, 8 3 24 24 4 28 होता है, 5 से मुझे भाग करना होगा क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं, 5 5 25 होता है, 3 28 5 7 35 होता है, 5 6 30 57.6 डिग्री आपके इस प्रश्न का उत्तर है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए हम सब ने जैसे एक जनरल जानकारी हमेशा ली है, उसको थोड़ा अभी भी ले लीजिए आप लोग, कि जब भी कभी हमें किसी वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपए है, उसमें से उसने अगर मान लीजिए 280 रुपए अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर दिया, इसको अगर हमें परसेंटेज में बनाना है तो हम लिखेंगे 280 × 100 / 3 / हम जो है यहाँ पर टोटल वैल्यू जो पूरी इनकम है उसको हम डिवाइड कर देंगे। देखो यही चीज अगर हम कैलकुलेट कर लें तो आपको सिंपली पता चल जाएगा 28% आ रहा है। इसी चीज को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखिए क्या तरीका है, 1000 की आय है और 280 रुपए उसने अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च किया, अगर मुझे इसको केंद्रीय कोण से निरूपित करना है, क्योंकि जैसे 100% है उसी तरह से 360 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा 280 × 360 / 1000। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जाकर के डिग्री में, मैं एक जनरल अलग बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 से भाग करें तो जाकर के, मतलब मेरा ये कहने का है कि जब परसेंटेज में कन्वर्ट होता है तो 100 का उपयोग होता है, जब डिग्री में जाती चीजें 360 की वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट की जाती है। बात वही है, तरीका वही है, बस 100 की जगह 360, 360 की जगह 100 डिग्री बना देगा और परसेंटेज बना देगा। ये हो गया पहला प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही जरूरी था।
दूसरा प्रश्न देखिएगा, दिए गए पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन, मतलब हमने कंबाइन दोनों को कर दिया, एक पाई चार्ट दे दिया साथ में टेबल दे दिया, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में किसी विश्वविद्यालय के 5 विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के प्रतिशतवार वितरण को दर्शाया गया है। प्रवक्ताओं की कुल संख्या 500 है। अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने हैं, जैसे जूलॉजी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, अलग अलग संख्या दी गई। जैसे अगर बात मैं मैथ्स की करूं, ये मैथ है, मैं लिखूंगा 30%, मतलब 30/100% की संख्या है। टोटल यहाँ पर अगर कुल प्रवक्ता 500 हैं, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि 5 × 15 150 प्रवक्ता केवल मैथ पढ़ाने हैं। उसमें भी आप ध्यान दो कि जो टेबल दिया गया है बताएगा कि मैथ में कितने पुरुष पढ़ाते हैं, कितनी महिला पढ़ाती हैं। अगर 7:3 का अनुपात दिया है तो 7 अगर पुरुष पढ़ाने वाले हैं तो 3 महिला पढ़ाने वाली हैं। हमसे अगर पूछा जाए कि बताओ पुरुष और महिला की संख्या क्या होगी, तो मैं 7:3 का अनुपात लाऊंगा, 7:3 = 10 करूंगा, अनुपाती पदों को जोड़कर 150 से कंपेयर करूंगा। अब अगर मुझे पुरुष निकालना है तो 7 से गुणा करूंगा, ये देखिए 15 × 7 = 105, 105 पुरुष हो गए। और फिर उसी 10 को 150 से कंपेयर करके अगर महिला निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 × 3 = 45 महिलाएं हो गई। अब फिलहाल यहां पर ये तो एक अलग जानकारी हो गई, ये तो आपको समझना ही चाहिए, पर जो प्रश्न पूछा उसकी तरफ जाइए। भौतिक विज्ञान में पुरुष प्रवक्ताओं की संख्या ज्ञात करो, तो चलते हैं भौतिक विज्ञान के पास, जो 22% है, लाइए लिखिए 22/100 हुआ, गुड़े आपके पास संख्या टोटल 500 थी, देख पा रहे हैं हम लोग 22 × 5 = 110, फिजिक्स पढ़ाने वाले कुल 110 हैं, पुरुष पूछा है तो हम पहले अनुपाती टर्म देखे, 2 और 3 के फॉर्म में है, 2 और 3 में हम इसको ब्रेक करेंगे, 2 / 3 में 2 पुरुष है तो 3 महिला है। यहां समझिएगा अनुपाती पदों को जोड़े डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 5 = 110 होगा, 1 = 22 होगा। पुरुषों की संख्या अगर हमसे पूछा गया है तो पुरुषों की संख्या अनुपाती 2 से प्रेजेंट होगी, 22 × 44, 44 पुरुष पढ़ाने वाले यहां पर होंगे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। विश्वास मुझे हुआ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। चलिए इस प्रश्न का सोल्यूशन भी डन होता है, अगले प्रश्न पर आइए। ये भी शानदार सा एक प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए है, बढ़िया प्रश्न है, कैसे करेंगे समझिएगा। नीचे दी गई तालिका में एक देश के 5 बैंक है द्वारा 5 वर्षों के दौरान शिक्षा के लिए वितरित किए गए ऋण, जो शिक्षा एजुकेशन लोन दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए में दर्शाए गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टेबल दिया गया, जैसे 2010 से लेकर 2014 तक बैंक 1 ने कितना लोन दिया, बैंक 2 ने, बैंक 3 ने, बैंक 4 ने, इस प्रकार से प्रत्येक बैंक ने कितने कितने लोन डिसबर्स करे हैं, प्रदान किए हैं। निम्नलिखित में 2 अनुपातों के बारे में क्या कहा जा सकता है समझिएगा, थोड़ा अंग्रेजी हिंदी में लिखा समझिएगा। पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें लिखा है बैंक 1 ने 2011 में जो लोन दिया है, बैंक 1 ने जो 2011 में लोन दिया, देखो इसको हिंदी पढ़िए, 2011 में बैंक 1 द्वारा वितरित लोन, 2014 में बैंक 2 के द्वारा वितरित ऋण, ठीक है, ये समझ में आई होगी बात। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, 2014 में बैंक 3 के द्वारा वितरित ऋण और 2011 में बैंक 4 के द्वारा वितरित ऋण, इसको ऋण 1 बोलिए, इसे ऋण 2 बोलिए। अब हमसे कहा गया कि अगर इसको हम रेशियो बना ले, हम यहां पर इसको रेशियो बना ले, तो प्रश्न को समझिएगा, ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। निम्नलिखित 2 अनुपात ही बनाए गए, अनुपात आप देख रहे हैं, फ्रैक्शन डिफाइन किया गया है इसको लेकर, ये मतलब पूरा स्टेटमेंट इसके साथ फ्रैक्शन है, अर्थात 2011 में 1 द्वारा वितरित और 2014 में 2 द्वारा वितरित, एक रेशियो बना लीजिए। मतलब ऐसे सोचिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, 2011 में B1 मतलब बैंक 1 डिवाइड बाय 2014 में कौन सा बैंक है, B2, ये B2, एक रेशियो बना लीजिए। दूसरा रेशियो बनाइए किसका, ये सेकंड में आइए, सेकंड में बोला है बैंक 2014 में बैंक 3 है, B3 है, और नीचे जाइए 2011 में बैंक 4, ऐसे ही थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है प्रश्नों को जब आप दिया जाता है। कराएं जो रेशियो बने हैं, इस रेशियो में पहला दूसरे से बड़ा है, पहला छोटा है दूसरे से, दोनों बराबर है, निम्नलिखित में कोई संबंध नहीं है। आइए थोड़ा समझते हैं, मैं चला बैंक 1 के पास, 2011 का लोन इसका 295 है समझिएगा, और 2014 में हम बैंक 2 के पास जाते हैं, 2014 में 122 है, देख रहे हैं, ये समझ में आया होगा आपको, बैंक 2 का 2014 में 122 है। अभी तक चलिए बैंक 3 के पास चलते हैं, 2014 में आए, 2014 में 211 है, ये समझा, और 2014 में 211 है, बैंक 4 के पास गए, 4 है, और 2011 में 123 है,
123 है। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको बताना है। लमसम दोनों वैल्यू बराबर ही है आप देख पा रहे हैं, लेकिन ऊपर का मान इसका सर्वाधिक है, ज्यादा है, 295 है। इसका मतलब श्योर है कि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है और ये वैल्यू लेस है। जैसे हम ज्यादा वैल्यू है और हम मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, मैं 5 लोगों में बांटू, आपके पास 80 ही है और आप 5 में बांटो, तो निश्चित तौर पर मेरा ज्यादा होगा ना, मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो ज्यादा जाएगा। तो वही चीज है कि वैल्यू लगभग 300 के बराबर है, लगभग 200 के बराबर है और ये दोनों आंकड़े लगभग लगभग इक्वल है, इसलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके ना करें, प्रिडिक्ट करके हम लोग समझेंगे। तो पहला यहां पर दूसरे से ग्रेटर है, थोड़ा बस केवल समझने का फेर था, अगर समझ गए तो उत्तर हम आराम से दे सकते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आता हूं। ये देखिए इस टाइप के आपको बार डायग्राम भी दिए जाएंगे और जैसे दिया जाता है, जैसे बनाया जाता है, वैसे ही फिगर मैंने लिया भी है। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। शहर में अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों का वितरण आयु अनुसार दिया गया है। ये बार डायग्राम आपको बना के दिए गए। एज इन ईयर 10 साल के कितने मरीज हैं, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70, 80, 90 साल के मरीजों की संख्या दर्शाई गई है। आप सबके अलग अलग देख पा रहे हैं कितने क्या है। 10 या उससे अधिक वर्ष मतलब 10 साल हो या उससे ज्यादा साल हो, लेकिन 40 वर्ष से कम, लेकिन 40 से कम मतलब 10 से ज्यादा हो और 40 से कम मतलब ये संख्या हो गई, मतलब 10 से 30 तक, ये तो बोला है ना, 10 या उससे अधिक वर्ष मतलब 10 साल भी लेना है और 40 से कम, पढ़िए 40 से कम मतलब 40 से कम के बिलो, ये 40 तक का लिया है ना, 30 के बाद 40 तक का वाले मरीजों की संख्या जोड़ लीजिए, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 44 है, करेक्ट लिख दिया मैंने। 50 वर्ष या उससे अधिक, 50 वर्ष भी लेना है यहां से, उससे ज्यादा लेना है, लेकिन कहा गया 80 वर्ष से कम, तो 80 वर्ष से कम मतलब इन तीन को लेना है, ठीक है। की संख्या लिखा है कि संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले इसको निकाल लीजिए, देखिए कितनी संख्या आती है इसकी। पहले इसकी संख्या हमने देखा था 20, 10, 30, 40, 10, 44 हुई थी, इसकी संख्या देखो 30, 30, 60, 20, 80, 80, 10, 90 तो 92 है, ये कम है स्पष्ट है, मतलब ये 44 है और ये 92 है, 92 से 44 कम है, बोला कितना परसेंट कम है ये आपको लगभग में बताना है, ध्यान दीजिएगा उत्तर आपके साथ। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं चाहूं तो सॉल्व करूं, जैसे 4 से 11 बार, 4 से 23 हो के 92 होता है, 23 से 11 मतलब साफ साफ 12 कम है, 12 कम है कि नहीं, यस 12 कम है, किससे, 23 से, 12 × 100/23 कर दीजिए, तो 1200 हो गया। अब एकदम नियरर डेटा है, इसलिए बहुत हम इधर उधर ना जा करके भाग करेंगे, बाकी हम 24, 25, 120 पर जा सकते थे और उस हिसाब से आंसर हम लोग बता सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। मतलब आपने नोटिस किया, देखिए यहां पर जैसे कहा है 10 या उससे अधिक वर्ष लेकिन 40 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों की संख्या, 50 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों की संख्या से कितने परसेंट या कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है ये हमको बताना है। मैंने इसको देखा है 44 जुड़कर आ रहा था, वो 30, 30, 60, 20, 80, 10, 90, 92 जुड़कर आ रहा था, 4 11 बार होता है, 4 23 हो के 92 होता है, कितना कम हो गया, देखिए साफ साफ 12 कम है, किससे कम है, 23 से कम है, और इस हिसाब से अगर हम लोग आंसर करते हैं तो देखिए कितना आंसर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान समझिए क्योंकि ऑप्शन में जो कमी, यहां अगर मैं जाता हूं तो 50 अगर 23 से जाइए, 23 × 5 = 115 होता है, मतलब निश्चित तौर पर 5 जीरो होगा, 23 × 2 = 46 होता है, ये 52 समथिंग करके जाएगा और यहां पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें से ऑप्शन सही उत्तर होना चाहिए, 52 समथिंग अर्थात 52 के आसपास परसेंटेज आएगा, ये इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसे भले लिया है, मैं जानता हूं इस चीज को, मैं उसके हिसाब से नहीं जा सकता हूं, जो सही है उसके हिसाब से जा सकता हूं, आप भी चेक कर लेना, जरूरी है इस तरह का प्रश्न एक आपको दे देना जिसमें मैंने जो उत्तर दिया है इन ऑप्शंस को इग्नोर किया है, 52 समथिंग करके आएगा, मैं अपने हिसाब से एकदम सही कर रहा हूं, ठीक है। चलो इस प्रश्न को डन करो, ये अगला प्रश्न है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, एक निर्देश है, नीचे दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। एक पाई चार्ट आपको दे रखा है, मेंशन किया, हो सकता है आपको विजिबिलिटी थोड़ी इशू, लेकिन अगर ध्यान से देखें, कोई लाइव तो चल नहीं रहा, आराम से देख सकते हैं। ABCDE के कुल कर्मचारी, ABCDE कुल कर्मचारी का प्रतिशत वितरण दर्शाता है, लेकिन 3 अलग अलग विभागों, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब निर्यात, मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, फाइनेंस है, और मार्केटिंग में प्रत्येक कंपनी के कर्मचारियों के परसेंटेज के वितरण को हमने लाइन डायग्राम भी इसलिए उपयोग में रख लिया है, ठीक है।
प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस, अलग अलग लाइंस को दिखाया गया है। जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है प्रोडक्शन की है, रेड कलर वाली लाइन मार्केटिंग की है और ब्लैक कलर वाली लाइन फाइनेंस की है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, टोटल इंप्लॉई 10,000 है, अलग अलग इंप्लॉइज भी बता सकते हैं, कंपनियों ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने, सब में बता सकते हैं। प्रश्न पढ़िए, देखिए दो डेटा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। चार कंपनियां हैं जिसमें उनके अलग अलग प्रतिशत को बताया गया है कितने कर्मचारी हैं, उसके बाद कौन कर्मचारी, कितने कर्मचारी प्रोडक्शन में है, कितने कर्मचारी फाइनेंस में है, उनका परसेंटेज बताया गया है। जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर किसी एक कंपनी को पकड़ लूं, सपोज करिए मैंने बी को ले लिया क्योंकि आसान डेटा है, 25% है, 1/4 होता है और 10,000 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 में हमें कह दें अब कितने प्रोडक्शन में है, कितने मार्केटिंग में, कितने फाइनेंस में, सबके परसेंटेज लिखे हैं। अगर मान लीजिए मुझसे कहे प्रोडक्शन में कितने हैं तो 60%, इसका 60% ले लीजिए, प्रोडक्शन हो गया। इसी तरह से अगर हम कह दें मार्केटिंग में 30% है और वहां पर फाइनेंस में 10% है। प्रश्न पढ़िए, कंपनी ए के उत्पादन, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग के कर्मचारियों का, तो पहले कंपनी ए उठाते हैं, कंपनी ए में कुल कितने हैं, 24% है, 24 का मतलब 2400 है, सीधा सीधा कैसे बताइए, 24/100 गुणे आप यहां पर क्या कर दें, 10,000 कर दें, 2400 टोटल है, ए में 2400 है। इसमें दो चीज हम निकालते हैं, दो डेटा हम निकालते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आप किसी का भी उठा लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं तीनों का उठाएं, जैसे यहां पर कभी किसी का उठाएं, जैसे हमने कहा कि ए कंपनी की बात करें तो 10% देखो ए है फाइनेंस, 30% ए है, 60 है, जोड़ दीजिए 100 आएगा, सबका ऐसे जुड़कर 100 हो रहा होगा। तो जैसे मुझसे अगर कहा गया कि कंपनी ए के उत्पादन और विपणन, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन 60 और विपणन मतलब मार्केटिंग 30, मिला दीजिए तो 90 हो गया, तो इसका 90% कर लो, 90 मतलब 90/10, 0 खत्म, 9 0 0, 9 4 36, 9 2 18 3 21, 2160 हो गया, लिख दीजिए ऐसे। चलिए अब इस लाइन को पढ़िए, देखिए यहां पर क्या लिखा है, लिखा है कंपनी बी के वित्त विभाग, तो बी लीजिए, और कंपनी सी के मार्केटिंग विभाग, मतलब दोनों कंपनियों को लेना है, इनके कर्मचारियों को मिलाकर इसके साथ अनुपात, मतलब ए के साथ अनुपात करना है। तो बी पर चलिए, बी की संख्या अगर हमने पहले से भी देखिए निकाल कर रखा था 2500 था, 2500 पे जाते हैं और इसका क्या करते हैं, कंपनी बी का वित्त विभाग देखते हैं, तो वित्त विभाग इसका कितना है, वित्त मतलब मार्केट फाइनेंस, फाइनेंस कितना है 50%, दिख रहा है ना 50%, 50% मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1250, लिख दीजिए। सी पर चलते हैं, सी की संख्या 35% है, तो 35% मतलब साफ साफ 3500 होगा, लिख दीजिए 3500, लिख दिया हमने और 3500 लिखा, और क्या सी का बोला है मार्केटिंग, इसका भी हम लोग को मार्केटिंग ही करना है, मतलब सॉरी विपणन करना है, तो सी का अगर हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो 50 इसका भी है, 50 मतलब 1/2, ये 1750 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, पहले जोड़िए 17 12 29, 3000 हो जाएगा। अब रेशियो किसके साथ करना है, इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, तो चलिए रेशियो कर डालते हैं हम लोग, 2160 है, 2160 है और कितना है अगला 3000, 2160 है और 3000 है, इनका रेशियो देखिए डेवलप करते हैं, 0 0 से खत्म हो गया। चलिए इसको काटते हैं, देखिए 3 5 15, चलिए दोनों चार से कटेंगे, 4 5 20, 4 4 16 और 4 7 28, 4 5 20, अभी किससे कट जाएगा, दोनों 3 से कट जाएंगे, 18 जाएगा और 25 जाएगा, तो 18 25 इसका देखिए फाइनल रेशियो होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, एक बढ़िया प्रश्न है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, जिससे किस तरह का भी प्रश्न बने तो आप हमसे जरूर कर पाए। तो चलिए फिर से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जरूर अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, जुड़े रहिए, जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहे और हम अच्छे से सारी चीजों को कनेक्ट कर ले। आपका प्रयास, आपकी मेहनत आपको जरूर दिखेगा, आपको एग्जाम हॉल में भी दिखेगा और ये चीज आपको सफल भी बनाएगी। थैंक यू सो मच आज के लिए, धन्यवाद सभी को।